खबर पंधाना खंडवा से। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सहकारिता कर्मचारियों का अनिश्चितकालीन आंदोलन 6 मई से। सहकारी समिति के समस्त कर्मचारियों को कोरोना वायरस कल्याण योजना में शामिल करने, मृतक कर्मचारी परिवार को तत्काल सहायता राशि उपलब्ध कराने और पूर्व के आंदोलन के दौरान हुए समझौते के अनुसार मांगों के निराकरण कर आदेश जारी करने को लेकर सहकारिता समिति कर्मचारी महासंघ भोपाल ने मुख्यमंत्री, सहकारिता मंत्री और खाद्य मंत्री को ज्ञापन देकर कहा कि पूर्व में आंदोलन के समय जो समझौता हुआ था उसके शासन ने हमारी एक भी मांग का निराकरण नहीं किया। अगर 5 मई तक हमारी मांगों का निराकरण नहीं किया तो 6 मई से सहकारिता के समस्त कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे, जिससे वर्तमान में चल रहे उपार्जन और एसटीएम कार्य प्रभावित होगा। सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ भोपाल के आह्वान पर प्रदेश के समस्त 52 जिलों में 6 मई से आंदोलन किया जाएगा। क्योंकि हम लोगों की जो पुरानी मांगे लंबित है शासन स्तर पर, बार बार शासन से आवेदन निवेदन करने के बाद भी शासन के कानों में जू नहीं रेंग रही है, इसलिए महासंघ ने यह निर्णय लिया है कि 6 मई से पुनः आंदोलन किया जाए। सर, इससे उपार्जन का कार्य एवं पीडीएस विवरण भी प्रभावित होगा। बिल्कुल सही है, उपार्जन का कार्य इससे प्रभावित होगा, पीडीएस वितरण का कार्य प्रभावित होगा। हम लोगों ने निश्चित तौर पे शासन को ये अंतिम चेतावनी दे चुके हैं कि अगर 6 मई तक हमारे कर्मचारियों की मांगों का निराकरण नहीं किया जाता है तो हम उपार्जन का कार्य, पीडीएस वितरण, ऋण वितरण, खाद्य वितरण, समस्त प्रकार के कार्य जो सहकारी समितियों में होते हैं वो बंद कर दिए जाएंगे। खबर भारतवर्ष के लिए पंधाना खंडवा मध्य प्रदेश से विशाल पटेल की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।